सर ये बताए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 300 बस भेज करके ये तमाम वीआईपी बच्चों को बुलाया गया और मजदूर को नहीं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं शुरू से कहता हूं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, वीआईपीओं की सरकार है, ये आम जनता की हितैषी नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख लें, उत्तर प्रदेश के अंदर 300 बसें राजस्थान कोटा में भेजा गया जो वीआईपी के बच्चे हैं उनको लाने के लिए, लेकिन वहीं पे इस देश के गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं या मजदूर हैं उनके लिए कोई राहत की बात नहीं किया गया है। वहीं पे आप अनिल सिंह को देखिए, नवादा का जो बिहार का विधायक है बीजेपी का, वो अपनी लड़की को कोटा से मंगाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, लॉकडाउन का पालन करिए, चाहे आप मर जाइए लेकिन लॉकडाउन का पालन करिए। तो नीतीश कुमार का जो मनसा है वो गरीबों के प्रति नीतीश कुमार की भी हमदर्दी नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्यों की है। तो ये है इनका असली चेहरा यदि कहें भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का, तो ये है कि ये गरीबों से नफरत करते हैं। तो सर, जो मजदूर तमाम जगह फंसे हुए हैं उनके लिए आप संदेश देते हैं, वीडियो बना के हो, सरकार का विरोध प्रदर्शन करके हो, ये मजदूर ज्यादा चिंतित है कि हम लोग खाएंगे कैसे, कैसे रहेंगे? देखिए, मजदूरों के साथ मजदूर तो परेशान है ही है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति यहां से बाहर राज्यों में गया है मजदूरी करने के लिए, उसका बाल बच्चा माँ बाप एक एक व्यक्तियों को डबल सजा मिल रही है। उधर उसका जो आदमी उसका कमाने गया है वहां पे वो भुगत रहा है, और इधर ये चिंतित है कि मेरा घर वाला हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, वो किस हाल में है। मतलब दोनों को टेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के नागरिक के साथ किया है। और सर, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो तमाम जो दूसरे प्रदेश में मजदूर फंसे हुए हैं उसको बोले थे आवेदन करने के लिए, 1,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे, मगर वो सिर्फ हेल्पलाइन जो दिया है वो एक जुमला है, क्योंकि जुमला मारने में ये माहिर हैं, ये मदद करना नहीं जानते हैं, ये सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाना जानते हैं नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी। ठीक है सर।